तो इस वक्त हम लोग लंदन ब्रिज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये बुर्ज खलीफा है। तो अभी हम लोग दुबई में हैं और हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दुबई महोत्सव। तो आप लोग हमारे पीछे ये देख सकते हैं यहाँ पर दुबई महोत्सव लगा हुआ है। तो आज इस मेले को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। साथियों कुछ इस तरह का गेट बनाया गया है और भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी तरह से जाम लग चुका है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो हम तो एंट्री गेट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है और लाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। अब धीरे धीरे हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को हमें मिलता है यहाँ पर। दोस्तों ये आप लोग जो देख सकते हैं ये है लंदन ब्रिज। कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, हूबहू उसकी कॉपी बिल्कुल उतार दी गई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है टिकट घर और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। टिकट के 4 काउंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो आपको टिकट का रेट है वो 20 रुपये है। तो चलिए अभी हम लोग टिकट लेते हैं फिर आगे आप लोग अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ होगा। टिकट लेके आ चुके हैं, अब हम लोग एंटर होते हैं। तो ये हैं जी जी बिल्कुल देंगे नहीं काट के कुछ और यहाँ पर इस तरह से कुछ नज़ारा है। अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो इस वक्त हम लोग लंदन ब्रिज पर मौजूद हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से अंदर का नज़ारा है। जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं यहाँ पर क्रॉकरी की दुकानें आपको मिल जाएंगी और कुछ इस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर, शक्ल दी गई है। और इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं लंदन ब्रिज का नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये सजावट की गई है यहाँ पर और इसके ज़रिए ही हम लोग अंदर इंटर करते हैं। तो आगे और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं और ये कि ये यूनिवर्सल ग्लोब की तरह के बनाया गया है यहाँ पर। और अभी आप लोगों को हम बुर्ज खलीफा भी दिखाएंगे और ये एफिल टावर है, ये आप लोग देख सकते हैं ये एफिल टावर है। और इस साइड में आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर भी ये सब दुकानें लगी हुई हैं और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर झूले वगैरह लगाए गए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ की आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि मेरा मोबाइल बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही पुराना है, जिसकी वजह से इस वीडियो में आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बाकी आप लोगों का फुल एंटरटेनमेंट इस व्लॉग में होने वाला है। अभी हम लोग ये एंटरटेनमेंट जोन में आ गए हैं और इधर ये फूड जोन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ये स्मोक बिस्किट यहाँ पर है और ये मुंबई की मशहूर भेलपुरी है। इसके अलावा यहाँ पर ये भूत बंगला है। ये एंटरटेनमेंट जोन यहाँ पर है और काफ़ी बड़े झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये हैं भैया हमारे किंग खान जो बुर्ज खलीफा पर चिपके हुए हैं। दोस्तों ये इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर रोज़मर्रा की चीज़ें मिल रही हैं। कॉस्मेटिक के अलावा जितनी भी और चीज़ें हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ पर सबसे सस्ता 10 रुपये से स्टार्ट है। चुराना नहीं बिटिया, मुंह खराब हो जाएगा। प्रदर्शनी में घूमते घूमते हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गया, क्या नाम है भी आपका? मोहम्मद वसीम नाम है मेरा। वसीम जी कहाँ से आए? जयपुर से आए हम। अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आए? तो मेरे को ऐसा लगा बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ऐसा भी बहुत भारी भी है, धूल मिट्टी का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी कैपेसिटी या पब्लिक अच्छी है दी गई है।
तो क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा ये लग रहा है कि धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, थोड़ा सा भागी का कोई जहल महल वैसा कोई सिस्टम नहीं है। यह ऐसा जितने भी मेहमान है बाहर के जितने भी गाँव के सब भाई आजा अच्छे से हो रहा है, सब सिस्टम बढ़िया। तो क्या कुछ खरीद रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, क्या कुछ खरीदने वाली चीजें हैं जो अफोर्डेबल है, जो सस्ती मिल रही है, क्या कुछ है यहाँ पर? सस्ती तो सस्ती महंगी तो हर जगह चीज रहती है, बाकी तो आरती दस रुपए में जो भी है हर जब ऐसा सामान लेंगे वैसा तो उसे बल से भी मिलता रहता है। तो भैया ये जयपुर से थे, यहाँ पास में पड़ता है 10-12 किलोमीटर, और भी बहुत सारे लोग मौजूद है, कैसा लग रहा है भैया? हमको यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने यहाँ कमला खाया, हम बैठे अंदर प्रवेश किए, ये गार्डन गार्डन हो गया हमारा। क्या बात है भैया के लिए, एक बार ताली हो जाएगा। क्या तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पर युवा कुछ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो मस्ती करते हैं, और ऐसी प्रदर्शनी लगनी चाहिए ताकि युवाओं का मनोरंजन हो सके। साथियों इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये हर माल 10 रुपए की दुकान है, और यहाँ पर आप लोग भीड़ भाड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ है। तो अभी हम दुकानदार साहब से बात करना चाहते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। भैया लखनऊ से हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें, ये कॉस्मेटिक से लेके और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यह क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छी चल रही है, अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर ठीक ठाक है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, संजय को उसका उद्घाटन होना है प्रदर्शनी का, दुबई महोत्सव का, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ भाड़ आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं, भीड़ काफी ज्यादा है।